दोस्तों नमस्कार। देखिए इस साल का पहला बार आज गिल नेट लगाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। देखिए भैया है साथ में, दस उंगल का लगाएंगे और एक आठ उंगल का और एक सात उंगल का, तीन उंगल का, और ये सब नेट लगा कर आज देखेंगे। ठंड बहुत था हम लोगों का तरफ, अभी भी है ठंड, इसलिए मछली इतना नेट में नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम लोग फिशिंग के लिए नहीं जा रहे थे। फिशिंग कर रहे थे, सामने एक दो पीस मिल जाती थी, एक किलो दो किलो, तो आज ज़्यादा नेट लगाएंगे। देखिए एक ट्यूब लेकर के जा रहे हैं, दो दो बैग नेट है। देखिए हम लोगों का गांव जंगल किनारे हो करके नदी छोटा रिवर जा रिवर में आज खेलेंगे। देखिए हाईवे है 143, ये हम लोगों का रिवर का ब्रिज है, थोड़ा नीचे जाएंगे रिवर का, वहाँ पर ज़्यादा पानी है, वहीं पे खेलेंगे। ठीक है, छोटा सा रास्ता है। देखिए यही वाला रिवर है, छोटा वाला। देखिए और थोड़ा नीचे जाएंगे अभी, देखिए छोटा सा जंगल है, इसको पार कर लेंगे। देखिए बहुत दिनों के बाद आज फिशिंग के लिए निकले हैं, बहुत दिन गैप हो गया था, एक दो पीस मिल जाती थी मछली हम लोगों का, सामने एक दो नेट खेलते थे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है गिल नेट बनाने का, और जो नेट मैं बनाता हूँ उसी नेट में बहुत सारा मछली पकड़ा हूँ, वो सब भी देख सकते हैं, और गिल नेट के क्या हिसाब से बनाया हूँ उसको देख करके आप भी फॉलो करके बना सकते हैं। अभी सीजन चालू हो गया है दोस्तों, चालू होने वाला है, अभी धीरे धीरे धूप आएगी तो मछली ज़्यादा मिलेगी नेट में, तो आप आराम से 500-1000 का नेट में आप डेली का एक किलो का ऊपर मछली पकड़ पाएंगे। देखिए दूर जंगल है हम लोगों के, बहुत सारा पेड़ है जंगल में, देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है।
दूर में है इसलिए आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा जंगल है। दोस्तों जगह पे पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। देखिए देखिए यहीं से चालू करेंगे गिलनेट खेलने के लिए। देखिए इस तरफ है नदी, नीचे तक गई है नदी, देख सकते हैं पहाड़ सब, जंगल सब। देखिए यहाँ पे एक तो नाव है लकड़ी का। दोस्तों आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल पे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं मैं क्या हिसाब से गिलनेट बनाया हूँ और बहुत सारा मछली पकड़ा हूँ मेरा गिलनेट में, बहुत सारा। ठीक है, यहीं से चालू करेंगे आज गिलनेट लगाने के। देखिए दोस्तों सात उंगल वाला नेट है, इसको खेलेंगे अभी यहीं पर। देखिए दोस्तों यहाँ तीन नेट लगाए हैं, तीन उंगल का और एक सात उंगल का और एक उंगल का। ठीक है, देखिए पहुँचेंगे अभी।
देखिए अभी 3 उंगल वाला नेट को निकालेंगे पानी से। सेवड कहीं से अभी वो है है देखिए एक तो मरल है नहीं किंदर लेपट ठंड का वजह से ज़्यादा फिशिंग नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश किए थे आज कुछ मछली पकड़ने के लिए गिल नेट पे तो है, अभी तो 2 है, आगे देखते हैं और है कि नहीं इसी नेट पे। देखते हैं यहाँ कितना लगा है। ये वाला नेट में भी 2 मछली है, अभी निकालेंगे, डाल दिए बैग में अभी भैया, ठीक है। ये वाला तीसरा वाला नेट उठाने जा रहे हैं हम लोग, देखिए सरका फंस दीजिए। ये तीसरा वाला नेट है, 2 नेट में, 2 एक एक नेट में 2-2 मछली है, अभी निकाल करके दिखाएंगे। ये 1 उंगल वाला है, इसमें देखते हैं, जब तक पानी गर्म नहीं होगा तब तक मछली नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं गिल नेट में पकड़ने के लिए। देखिए नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग, देखिए जंगल में धूप, तीन नेट उठा लिए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास मछली नहीं है, अभी नीचे में है और 3 नेट है उसको उठाएंगे। कल एक तो था 3.5 किलो का चीतल, उसको वीडियो नहीं बनाए थे,
अच्छी नहीं कहीं अच्छी 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 तलार अच्छी देखिए कल जहाँ से शुरू किए थे गिलनेट लगाने के वही जगह पर पहुँच गए हैं। अभी उठाएंगे, तीन नेट उठा लिए हैं, अभी बाकी तीन नेट है। कल एक बड़ा फंदा में चीतल था 3.5 किलो का, उसको वीडियो नहीं बनाए थे, वो वाला नेट भी नहीं ले गए आज, कल रात हो गया। ये 3 फिंगर वाला है और 7 फिंगर वाला है। What happened on that?